नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ને તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર ની સાથે હું છું લુબના ખાન. સમાચાર ની શરૂઆત કરીશું ઉત્તરકાશી માં ઓપરેશન જિંદગી ની સાથે. तो उत्तरकाशी में टनल में फसायेला लोकोने बहार काढ़वानो प्रयास करवामां आवी रह्यो छे. सुरंग पासे साधनों साथे बचाव टीम पहुंची छे. फसायेला कामदारों थी थोड़ी ज दूर छे रेड माइनर्स रेस्क्यू टीमे कामदारों परिवारजनों ने तेमना कपड़ा अने बेग तैयार राखवा माटे कह्युं छे. कामदारों ने बहार निकाळ्या बाद तेमने होस्पिटल खसेड़वामां आवशे. हाल टनल पासे एर एम्ब्युलेंस पण तैयार करी देवामां आवी छे. हाल सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अने अन्य तमाम एजेंसीओ पण स्थळ पर हाजर छे. तो सौथी मोटी बचाव कामगीरी हाल चाली रही छे. 41 कामदारों माटे आजनो दिवस मंगलमय साबित थाय तेवा तमाम प्रयास करवामां आवी रह्या छे. 17 दिवसथी 41 मजूरो फसाया छे, जेमने सही सलामत बचाववा माटे ऑपरेशन जिंदगी हजु पण यथावत छे. तमाम प्रयास करवामां आवी रह्या छे. सौथी मोटी बचाव कामगीरी कही शकाय. साथे ज तमाम लोको सुरक्षित रहेवानी साथे साथे स्वस्थ रहे तेवा पण प्रयास करवामां आवी रह्या छे, जेना कारणे एम्ब्युलेंस पण तैयार राखवामां आवी छे कि जेवा मजूरो निकळे तो तेमने सुरक्षित रीते होस्पिटलमां खसेड़वामां आवे अने तेमने सारवार आपवामां आवे. सरकार तमाम बाबतों पर ध्यान राखी रही छे, तमाम वस्तुओं पर नजर छे. टनल में जे लोको फसाया छे तेमने बचाववा माटे एड़ी चोटीनुं जोर पण लगाववामां आवी रह्युं छे, परंतु केटलाक विघ्नो छे जेना कारणे समय लागी रह्यो छे. तो कामदारों ने बहार काढ़वा माटे 17 दिवस थी बचाव कामगीरी पण चाली रही छे, परंतु आजनो दिवस जे छे ते खूब ज महत्वपूर्ण एटला माटे मानवामां आवी रह्युं छे के थोड़ाक ज समय में तमाम लोको बहार सही सलामत निकले तेवा तमाम प्रयासनी साथे आजे आशा छे के तमाम लोको बहार निकली जशे. तेमना परिवारजनों ने पण आ जानकारी आपवामां आवी छे. आ सौथी मोटी बचाव कामगीरी पर सौ कोईनी नजर छे. उत्तरकाशीथी लाइव दृश्यो अत्यारे आप टीवी स्क्रीन पर जोई रह्या छो. बचाव कामगीरी सतत चाली रही छे. दिवस रात आ कामगीरी करवामां आवी रही छे के तमाम मजूरो ने जल्दी बचाववामां आवे. एनडीआरएफनी एक टीम सुरंगनी अंदर पहोंची गई छे तेवी पण अपडेट सामे आवी छे. मेडिकल टीम पण सुरंगनी अंदर. ली गई है ताकि इन 41 फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित उनके परिवारों तक पहुंचाया जा सके. और अब सभी की निगाहें टनल पर, जहां पर पुष्कर सिंह धामी खुद दाखिल हुए हैं उन्हें रिसीव करने के लिए. टनल के भीतर ही एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, जहां उनका प्राथमिक हेल्थ चेकअप भी हो रहा है. और इस चेकअप के बाद में सामने टनल के ही तमाम वो एम्बुलेंस तैनात है, जिसमें एक एक कर इन मजदूरों को आगे ले जाया जाएगा. अगर उन्हें किसी बड़े उपचार की जरूरत है तो उसके लिए भी एम्बुलेंस में उस तरह के तमाम इक्विपमेंट्स तैनात कर दिए गए हैं. तीन अलग अलग तरह के एम्बुलेंस की व्यवस्था यहां पर कर दी गई है. अगर बहुत कोई इमरजेंसी की जरूरत है तो वो तमाम जरूरत का सामान उस एम्बुलेंस में मौजूद है. अगर सामान्य स्वास्थ्य है तो उस हिसाब से उस एम्बुलेंस को तैयार रखा गया. लेकिन यह तस्वीर बहुत खास है. ये तस्वीर जो मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं युगल ठाकुर, वो ये कि उनके परिवार के लोग बैग लेकर यहां पहुंचे हुए हैं. उन्हें बुला लिया गया है, उन्हें एक स्पेशल आई कार्ड दिया गया है. कुछ ऑफिसर्स हैं जो उनको उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य का क्या हाल है, किस तरह की तबीयत उनकी है. और ये तस्वीर टनल के भीतर से कुछ डॉक्टर्स वापस आते हुए हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं. टनल में जो डॉक्टर्स की एक टीम थी, ये तस्वीर देखिए. डॉक्टर्स अभी टनल के भीतर से वापस आते हुए मास्क लगाए हुए, ये डॉक्टर्स हाथों में ग्लव्स उन्होंने पहना हुआ. इस तरह की कंडीशन में ये डॉक्टर अंदर नहीं गए थे. इसका मतलब ये कि जो एक प्राइमरी हेल्थ चेकअप की जरूरत थी, जिसके लिए एक बहुत ही अस्थायी अस्पताल अंदर बनाया गया था, वहां उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है. और उसके बाद उन्हें एक एक कर बाहर लाया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद टनल में दाखिल हुए हैं. और टनल के बाहर ही जो लोगों की मान्यता है उस हिसाब से एक अस्थायी मंदिर भी बना हुआ था. ट्वीट खुद पुष्कर सिंह धामी ने किया, कहा कि खुदाई का काम पूरा हो गया है, पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है. और अब बाबा बौखनाथ की कृपा से जो परिश्रम यहां पर किया जा रहा था, जो लेबर लगे हुए थे, जिस तरह का काम किया जा रहा था. अब ये तस्वीर बेहद खास है. जनरल बीके सिंह है, होम सेक्रेटरी हम देख सकते हैं, उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं. और खासतौर पर भास्कर खुर्बे यहां पर मौजूदगी उनकी हम देख सकते हैं. ये आगे बढ़ते हुए टनल में पुष्कर सिंह धामी टनल में पहले ही दाखिल हो चुके हैं. और ये अब जनरल वीके सिंह, पूर्व सेना प्रमुख और अब केंद्रीय मंत्री भी, जिस तरह से एक तरह से उन्होंने अपना एक कैंप ऑफिस बना करके रखा हुआ है, वो लगातार यहां पर
अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए और लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। जो बात अब हमें और बहुत अच्छे से पता चल रही है वो ये कि जनरल वीके सिंह भी अब हेलमेट लगा करके भीतर दाखिल होते हुए, और ये तस्वीर हम देख रहे हैं, भास्कर खुलबे उनके साथ में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार हैं। और बद्री केदार का जब पुनर्निर्माण और एक नई योजना बनाई जा रही थी उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे प्रोजेक्ट की भास्कर खुलबे के पास थी, और उत्तराखंड में ही इस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है भास्कर खुलबे भी। और ये तस्वीर आप देखिए, अब जनरल वीके सिंह टनल के भीतर दाखिल होते हुए, और ये तमाम वो जिम्मेदार लोग हैं जो लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे, प्रधानमंत्री से लगातार ये संपर्क में भी हैं। इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री लगातार पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं, लेकिन शायद अब वो लम्हा बेहद करीब है जब सुरक्षित वो बाहर आएंगे, क्योंकि पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। ऑपरेशन जिसमें खुदाई मैनुअली की जा रही थी वो काम पूरा हो चुका है, और पुष्कर सिंह धामी अब टनल में भीतर दाखिल हो चुके हैं। ये तस्वीर सबसे खास, आज 17वें दिन लोगों की आंखों में एक चमक, एक उम्मीद 17वें दिन जगी है। हालांकि ये बताया जा रहा था कि हर संभव वो कोशिशें लगातार जारी रखी जाएगी जहां से कामयाबी मिलने की उम्मीद हो, लेकिन अब ये उम्मीद पर खरे उतरते वो रेट माइनर्स जिन्होंने हाथों से खुदाई की है और बेहद कामयाबी से इस खुदाई को आगे बढ़ाया, पाइपिंग का काम पूरा हुआ, और वीके सिंह अब टनल में दाखिल हुए हैं और बहुत जल्द अब इन्हें सुरक्षित बाहर भी लाया जाएगा। तो जे प्रकार की सौथी मोटी बचाव कामगिरी हाल चाली रही है, जे प्रकार की तमाम लोग अहियां पहुंची चुक्या है, वीके सिंह पण पहुंचा है, पुष्कर धामी पण पहुंचा है, तो एवं लगी रही है कि थोड़ीक ज वार में कोई खुशखबरी समाचार पण आवी शके छे, कोई शुभ समाचार। ऑपरेशन जिंदगी यथावत है, साथ जारे मजूरो बाहर निकले तो तेमने स्वास्थ्य ने लगती जो कोई प्रॉब्लम हो तो तेना माटे एर एम्ब्युलेंस पण तैनात राखवा मां आवी छे। रेस्क्यू टीम छे मजूरोनी नजीक पहुंची गई छे तेवा पण समाचार सामे आवी रह्या छे। वीके सिंह अंदर जई रह्या छे तेवा दृश्यो अत्यारे आप टीवी स्क्रीन पर जोई रह्या छो। 17 दिवस थी 41 मजूरो फसाया छे, ऑपरेशन जिंदगी में आज कोई मोटा समाचार आवे तेवी पूरेपूरी संभावनानी साथे साथे हलचल पण जोवा मळी रही छे। लाइव दृश्य उत्तरकाशी थी आप टीवी स्क्रीन पर जोई रह्या छो। आजनो दिवस मंगल बने तेवी आशानी साथे तमाम लोको अत्यारे अहीं उपस्थित छे, मोटी संख्या में बचाव कामगिरी करवा माटे पण लोको तैनात छे, मेडिकलनी टीम तैनात छे, मजूरोना परिवारने जाण करवामां आवी छे, अने साथे साथे अत्यारे जे हलचल छे તે કોઈ મોટા સમાચાર તરફ એંધાણ બતાવી રહી છે કે જલ્દી કોઈ સમાચાર એવા પણ આવી શકે છે કે તમામ મજૂરોને સહી સલામત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે। તો ઉત્તરકાશીમાં થોડીક જ વારમાં મજૂરો બહાર આવી શકે તેવી સંભાવના જોવામાં આવી રહી છે। 17 દિવસ 41 જિંદગી અને મોતની વચ્ચે જે જંગ લડી રહી હતી તેમાં મોટી જીત હાંસલ થાય તેવી સંભાવના આજે જોવા મળી રહી છે। तो अत्यारे आप लाइव दृश्य जोई रहा छो टीवी स्क्रीन पर उत्तरकाशी थी बचाव कामगिरी ना, अने जे प्रकार थी हलचल धीमे धीमे वधी रही छे तेने लईने एवुं लागी रह्युं छे कि जल्दी कोई सारा समाचार आवे तेवी संभावना। 41 दिवस थी आ तमाम लोकोने बचाववा माटे सरकार द्वारा तमाम प्रयास करवामां आवी रह्या हता, तमाम एवा प्रयास करवामां आवी रह्या हता कि जल्दी आ तमाम लोको बहार आवे, परंतु कोईक ने कोईक विघ्नोना कारणे अत्यार सुधी आटलो समय लागी गयो हतो, छतां पण रेस्क्यूनी टीम दिवस रात खड़े पगे तमाम लोकोने बचाववानी कोशिश करी रही हती, अने आ कोशिश आजे सफळ थाय तेवी संभावनानी वच्चे अत्यारे आप उत्तरकाशीथी लाइव दृश्यो टीवी स्क्रीन पर जोई रह्या छो। न्यूज 18 गुजराती आपने पड़पड़ी माहिती, पड़पड़ी अपडेट्स, बचाव कामगिरी क्या सुधी पहुंची छे ते बतावानो पण प्रयास करी रही छे। तो 41 कामदारों जे छे जे मजूरो फसाया छे तेमने बचाववा माटे अत्यारे तमाम लोको पहोंच्या छे। वीके सिंह पण अंदर जता सुरंगनी अंदर आपणे जोई शकीए छे, पुष्कर धामी पहेलाथी ज त्यां उपस्थित छे, एटले के बचाव कामगिरीमां एवुं लागी रह्युं छे कि जे कामगिरी थई रही छे ते आगळ वधी रही छे। ये खुशी के आंसू है जो आंसू अब तक आंखों में आया करते थे किसी आशंका की वजह से, किसी अनहोनी की आशंका में, अब वो आंसू खुशी के हैं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एक एक कर उनके परिजन अब अपने उन परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आतुर है। फूल मालाएं अंदर भेजी गई है ताकि उन्हें इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सकुशल बाहर आने के बाद इस बात का एहसास कराया जाए कि बाहर भी हम उसी तरह से, उसी आतुरता से उनका इंतजार कर रहे थे। परिवार के सदस्यों की मौजूदगी, टनल पर सभी की इस वक्त निगाहें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दाखिल हुए हैं, इसके अलावा भास्कर खुलबे,
केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहां पर दाखिल हुए हैं और ये इसलिए गए हैं क्योंकि अब जबकि ये काम अंदर पूरा हो चुका है, उनका जो एक प्राइमरी हेल्थ चेकअप है उसके बाद उन्हें वो खुद रिसीव कर सकें, क्योंकि यहां पर भी एक कैंप ऑफिस बनाया गया था जिस पर लगातार केंद्रीय मंत्रियों या मुख्यमंत्री लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते। आज सुबह ही पुष्कर सिंह धामी इस टनल में जब दाखिल हुए थे और जब लौटे थे और जब उनसे हमने सवाल किया था कि मजदूरों का स्वास्थ्य कैसा है, क्या उम्मीद आपकी जगी है, मुस्कुराते हुए उन्होंने जब जवाब दिया था कि बहुत जल्द वो लम्हा नजदीक आएगा जब ये मिशन आज कंप्लीट होता दिखाई दे सकता है, और आखिरकार वही सच साबित होता हुआ आज 17वां दिन दीपावली के दिन जब सुबह सुबह देश और दुनिया के लोग दीपोत्सव की तैयारी में जुटे थे, एक नया रास्ता बनाने की तैयारी में ये मजदूर, जहां पर 14 मजदूर बीच रास्ते में फंसे थे, और तब से आज 17 दिन हो चुके हैं, लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम भी यहां लगातार इसी उम्मीद में मौजूद कि कहीं कोई और सकारात्मक खबर आए। इस बीच तमाम उतार चढ़ाव आते रहे, मौसम विभाग की ओर से जानकारी आई कि बादल घिर सकते हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम ने भी साथ दिया। हल्की बूंदाबांदी आज जरूर हुई थी, कुछ पेशानी पर बल पड़े थे, चिंता की लकीरें आई थी, लेकिन बहुत थोड़ी देर बाद ही सूरज एक बार फिर चमकता हुआ दिखाई दिया, और इसी सूरज की रोशनी का सामना करेंगे 17 दिन बाद वो फंसे हुए 41 मजदूर। इसीलिए अब उन्हें कैमरा भी जिस तरीके से चश्मा दिया गया है, काले चश्मे उनके लिए भिजाए गए हैं, और बताया जा रहा है कि अब एक प्राइमरी हेल्थ चेकअप के बाद एक एक कर उन्हें एम्बुलेंस के जरिए बाहर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल में दाखिल है, वीके सिंह टनल में मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम वो एक्सपर्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिनकी मदद की जरूरत थी वो ली गई है, और अब आखिरकार वो लम्हा बेहद करीब है जब सुरक्षित ये 41 मजदूर अपने परिवार वालों से मिलेंगे। परिवार वाले लोग भी आतुर हैं, और यहां तस्वीरों में हम देख सकते हैं घर के उनके अपने परिजन, कुछ लोग तो यहीं साथ में काम करने वाले लोग हैं। संतोष उन्हीं में से एक है जिन्होंने अपने भाई से बात की है, और जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि भाई ने कहा है ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, सभी लोग स्वस्थ हैं। इस बात की जानकारी पहले भी दी जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिकेशन बनाया गया था, उनके साथ बातचीत हो रही थी, उनका हालचाल जाना जा रहा था। तो મહત્વનું છે કે આજનો દિવસ મહત્વનું કહી શકાય, કારણ કે તમામ લોકો એટલા માટે પહોંચ્યા છે વીકેસી અને પુષ્કરધામી કે રિસીવ કરી શકે મજૂરોને। તો બ્રેક પહેલા નજર કરીશું ટોપ 3 હેડલાઇન્સ પર। બનાસકાંઠામાં વધુ એક કેનાલમાં ગાબડું, થરાદ નજીક ગાબડું પડતા ખેતરોમાં વહ્યા પાણી, પાકને નુકસાન। રાજ્યમાં માવઠા બાદ તેલના ભાવમાં 20 રૂપિયાનો વધારો, સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ 2735 થી 3785। રાજકોટ જામનગર હાઈવે પર હિટ એન્ડ રન, એકનું મોત એક ઇજાગ્રસ્ત, ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ। बॉटल बदलता समय लागी आग, लायंस हॉस्पिटल विद्यार्थी कैंटीन में आग लगता दौड़धाम मची थी, फायर विभाग घटनास्थले पहुंची पानी नो मारो चलावी आग पर काबू मेळव्यो। पाटण ना राधनपुर में सोनानी दुकान में आग की घटना, जूनी बजार में सामान्य आग बाद पवन ने कारण आगे विकराल स्वरूप धारण कर्यु, शोर्ट सर्किट ने कारण आग लाग्यानु छे अनुमान, दुकान में रहेल फर्निचर बळीने खाक थयु। સુરતના માંગરોળમાં નવાપરા જીઆઈડીસીમાં યાર્ન બનાવતી કંપનીમાં આગ લાગી, શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો, ફાયર વિભાગની 4 ટીમોએ આગ પર કાબુ મેળવ્યો। કચ્છના રાપરમાં થઈ 12 લાખની લૂંટ, પેટ્રોલ પંપ પર છરણીયણીએ બુકાનીધાર શખ્સો લૂંટ ચલાવી, બેંકમાં પૈસા ભરવા જતા સમયે લૂંટ કરી આરોપી ફરાર, પેટ્રોલ પંપના કર્મચારી ઘટનામાં ઇજાગ્રસ્ત, પોલીસે નાકાબંધી કરી તપાસ શરૂ કરી। અમદાવાદના શાહીબાગમાં અસામાજિક તત્વોએ પોલીસ પર કર્યો હુમલો, ગરબા બંધ કરવા ગયેલ પોલીસ ટીમ પર થયો હુમલો, ગરબાના આયોજક અને ગરબા રમનાર ખેલૈયાઓએ કર્યો જીવલેણ હુમલો। પોલીસ ટીમ પર હુમલો થતા એક પોલીસ કર્મચારીને ગંભીર રીતે ઇજા પહોંચી, પોલીસ હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો નોંધી 12 લોકોની કરી ધરપકડ, અન્ય 2 ફરાર આરોપીની શોધખોળ ચાલુ। સુરતના મૈદરપુરામાં રૂપિયાની લેતી દેતી મામલે અપહરણ કરાયું, રેલવે સ્ટેશનથી રેઇનકોટ બનાવતા 2 વેપારીઓ દ્વારા જૂના કામદારનું અપહરણ કરાયું હતું, પોલીસે સીસીટીવીના આધારે 2 લોકોની કરી ધરપકડ।
बनासकांठानी वावनी लोधराणी माइनोर एक केनाल में गाबड़ू पड़ू। केनाल में पानी छोड़ता की साथ ज गाबड़ू पड़ता भ्रष्टाचार की पोल खुली। सफाई और हल्की गुणवत्ता काम ने लई गाबड़ू पड़िया खेडूतों आक्षेप। अमदावाद में एमसी वॉटर पंपिंग स्टेशन की घोर बेदरकारी। वॉटर पंपिंग स्टेशन की टांकी ओवरफ्लो थता अपार्टमेंट की दीवाल धसी पड़ी। जोधपुर विस्तार में पानी प्रवाह में व्रजभूमि अपार्टमेंट की दीवाल धसी पड़ी। अपार्टमेंट की दीवाल धसी पड़ता भोयरा में 7 फूट पानी भराया। दुकानों में पड़ेलो सामान पण डूब्यो। वॉटर पंपिंग स्टेशन की टांकी ओवरफ्लो थता थाय छे सतत पानी नो बगाड। स्थानिक धारासभ्य अमित ठाकर ने अनेक वक्त करी हती रजूआत। मौधाना एमएलए की रजूआत बाद खाण खनिज विभागे करी तपास। खाण खनिज विभाग ने शेढ़ी नदी तट में ताजेतर में खनन थयुं होवानुं सामे न आव्युं। शेढ़ी नदी तट में कोई वाहन पण न मळ्युं। पोरबंदर मार्केटिंग यार्ड में केसर केरी नुं आगमन थयुं। मार्केटिंग यार्ड में 20 किलो केसर केरी वेचाण माटे आवी। खेडूत ने एक मण केरी 14,000 भाव मळ्या। ऐतिहासिक भाव मळता खेडूत पण खुशखुशाल थया। पोरबंदरना आदित्याणा गाम में भरशियाळे आंबा पर आवी केसर केरी। सीजनना 5 महीना जेटला ज केसर केरीनु उत्पादन। शियाळामां आंबा पर मोर अने केसर केरी आता सौ कोई आश्चर्यमां मुकाया। राज्य में कमोसमी वरसाद वरसता ठंडी प्रमाण में वधारो। जेतपुर में भेज नु प्रमाण वधता गाढ़ धुम्मस छवायो। धुम्मस नी चादर छवाई होय तेम हिल स्टेशन जेवो नजारो जोवा मळ्यो। बनासकांठामां सतत बीजा दिवसीय कमोसमी वरसाद वरस्यो। पालनपुर सहित आसपासना विस्तारोमां वरसादना कारणे खेडूतोनी चिंता वधी। एरंडा वरियाळी सहितना रवि पाकोने भारे नुकसानी भीती। सूरतना मांडवीना ब्रिज पर खाड़ीना पाणी फरी वळ्या। ब्रिज पर पाणी फरी वळता मुंजलावथी बोधान जवानो मार्ग बंद करवानी फरज पड़ी। वरसादना कारणे खाड़ीना पाणी फरी वळ्या। वलसाड़ना सलवावमां लग्न प्रसंगमां कमोसमी वरसाद विलन बन्यो। एक तरफ लग्ननो मंडप पलड्यो अने बीजी तरफ वरसाद वच्चे दीकरीना लग्नना उमंगमां केटलाके छत्री लईने पण गरबानी रमझट बोलावी। सूरतमां लग्न प्रसंगमां मावઠાએ રંગમાં ભંગ પાડ્યો। ધોધમાર વરસાદ પડતા લોકો મકાનના પાર્કિંગમાં ઠુંકા લગાવતા જોવા મળ્યા। ડીજેના તાલે નાચતા લોકોનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ। अमरेलीना ग्राम्य विस्तारोमां क्यांक धीमी धारे तो क्यांक अनराधार वरसाद। रंगपुर गाममां धोधमार वरसाद पड़ता गामनी बजारमां नदी जेवा दृश्यो सर्जाया। पाणी भराता वाहन चालकोने भारी हालाकी। राज्यमां वरसेला कमोसमी मावઠાને લઈને राज्य सरकारनी मोटी जाहेरात। एरंडा जीरू कपास सहितना पाकमां सहायनी चुकवणी कराशे। वरसादनी मात्रा घट्या बाद सर्वे बाद सहाय चूकवाशे। प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेले जाहेरात करी। गुजरात में मावઠાને कारण वीजळी पड़वाथी वेलकम बैक। प्रधानमंत्री मोदी 2047 सुधी में भारत ने विश्वगुरु बनावानो संकल्प लीधो छे। जे अंतर्गत पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा नो प्रारंभ करावियो छे, जेथी समग्र देश में एक पण व्यक्ति जनहितलक्षी योजना थी वंचित न रहे। દેશના પનોતા પુત્ર અને પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ભારતને 2047માં વિશ્વગુરુ બનાવવાનો સંકલ્પ લીધો છે, જે અંતર્ગત પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વિકસિત સંકલ્પ ભારત યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે। સમગ્ર દેશમાં જનહિતલક્ષી યોજનાના લાભથી પાત્રતા ધરાવતો એક પણ વ્યક્તિ વંચિત ન રહે તે માટે જાગૃતિ કેળવવા સંકલ્પ લીધો છે। મુફ્ત રાશન દેને વાલા રાશન કાર્ડ હોગા, જબ હર ગરીબ કે પાસ उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा, सौभाग्य का बिजली कनेक्शन होगा और नल से जल होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर गरीब के पास 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड होगा, जब हर गरीब के पास उसका अपना पक्का घर होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर किसान केंद्र सरकार की पेंशन योजना से जुड़ जाएगा, जब हर मजदूर पेंशन योजनाओं का लाभार्थी हो जाएगा, जब हर पात्र नौजवान मुद्रा योजना का लाभ ले सकेगा और एक एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में कदम रखेगा। गुजरात में राज्य ना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले विकसित भारत संकल्प यात्रा नो प्रारंभ करावियो हतो। यात्राधाम अंबाजी खाते थी मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले राज्यपाल आचार्य देवव्रत की उपस्थिति में जनजातीय गौरव दिवस की उजवणी और विकसित भारत संकल्प यात्रा नो राज्यव्यापी प्रारंभ करावियो छे। जन जन साथे संवाद साधी सरकार की कल्याणकारी योजना ना लाभ थी
विगत सौ सुधी पहुंचाड़ी ने आ यात्रा वडाप्रधानशी आयोजन सेच्युरेशन विचार ने मूर्तिमंत करवामां महत्वपूर्ण पगलू बनी रहेशे। आदिवासी समुदाय उत्कर्ष अने उन्नत माटे सतत कार्यशील एवा वडाप्रधानशीए विकसित भारत निर्माण नो संकल्प आपणने आप्यो छे। देश अने राज्यनी महिलाओना स्वास्थ्यनी चिंता करी प्रधानमंत्री मोदीए 1 मे 2016 रोज उज्ज्वला योजना अमलमां मूकी हती। उज्ज्वला योजनानो लाभ छेवाड़ाना विस्तारमां पण पहोंच्यो छे। गीर विस्तारमां पण उज्ज्वला योजनाना लाभथी घरे घरे एलपीजी कनेक्शन पहोंच्यु छे। देशमां 10 કરોડથી વધુ ઘરોમાં એલપીજી કનેક્શન અપાયું। 75 લાખથી વધુ નવા એલપીજી કનેક્શન આપવાનો પણ સંકલ્પ। પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના ગામડાની મહિલાઓ માટે આશીર્વાદ રૂપ સાબિત થઈ છે। ઉજ્જવલા યોજનાનો લાભ મળતા કડોદરા ગામની મહિલાઓએ પણ સરકારનો આભાર માન્યો છે। મહિલાઓને આ પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલ યોજનાને કારણે દરેક ઘરે ગેસ કનેક્શન આવી ગયા છે અને ઘરે ઘરે જે પહેલા સમયમાં જે તકલીફ હતી બધી દૂર થઈ ગઈ છે। કારણ કે ચૂલા ફૂકવાથી આંખમાં તકલીફ થતી હતી, શ્વાસમાં તકલીફ થતી હતી, એ બધી અત્યારે તકલીફ દૂર થઈ ગઈ છે અને ગેસ આવી ગયો છે એટલે બધી સ્ત્રીઓ અત્યારે જોકે અત્યારના સમય પ્રમાણે બધી ખુશ છે। આંખોની તકલીફ ગામડાઓની સ્ત્રીઓને ખૂબ વધારે હતી ધુમાડાના કારણે, તેમાં શ્વાસની બીમારીઓનું પ્રમાણ પણ વધારે હતું, જે તમામ બીમારીઓથી લઈને બધી બાબતોમાં આ યોજનાને કારણે ખૂબ સારો એવો ફાયદો થયો છે। સરકારી યોજના પૈકી એક યોજના એટલે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના। પેઢીઓથી કાચા માટીના મકાનમાં રહેતા પરિવારો સુવિધાસભર પાકા મકાનમાં રહેવા લાગ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાથી અરવલ્લી જિલ્લાના છેવાડાના વિસ્તારમાં 1000થી વધુ પરિવારોના સપના સાકાર થયા છે। પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં મને 1,20,000ની સહાય મળી। સહાયને બેટે હું કાચા મકાનમાંથી આજે હું પાકા મકાનમાં રહેવા આવ્યો છું। ઘરનો પરિવાર તથા બધા શાંતિથી અમે રહીએ છીએ અને મોદી સાહેબને ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશ અને રાજ્યના તમામ વર્ગની ચિંતા કરી છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 17 સપ્ટેમ્બર 2023 રોજ પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા કૌશલ સન્માન યોજના લોન્ચ કરી છે। 18 વ્યવસાયો સાથે જોડાયેલા લોકોને આ યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર છે। આ યોજના માટે 13,000 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે। વડાપ્રધાનશ્રીએ પીએમ વિશ્વકર્મા યોજનાના માધ્યમથી નાના હુન્નર ઉદ્યોગકારો માટે ટ્રેનિંગ, ટેકનોલોજી, ક્રેડિટ અને માર્કેટ સ્પોર્ટ માટેનું એક આખું મિકેનિઝમ ઊભું કર્યું છે। મૂર્તિકાર, સ્ટોન કાર્વિંગ કરનારા, સ્ટોન બ્રેકર, પછી ગોલ્ડસ્મિથ એટલે સોનાર, સોની જેને આપણે કહીએ છીએ, પોટર, કુંભાર, એ પણ આમાં આ યોજનામાં લાભ લઈ શકે। આ રીતે 18 ટ્રેડ જે છે એ 18 ટ્રેડ આમાં આઈડેન્ટિફાય કરેલા છે અને એ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે। વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા દરમિયાન 17 યોજનાઓને આવરી લેવાઈ। પ્રધાનમંત્રી મોદીના સંકલ્પને સાકાર કરવા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે। તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ, પરંતુ પડે પણના સમાચારો માટે જોડાઓ News18 ગુજરાતીની વોટ્સએપ ચેનલ સાથે। આ ચેનલ પરથી તમને મળતા રહેશે દેશ દુનિયાના તમામ સમાચાર। નમસ્કાર।